एक सवाल सर राष्ट्रीय स्तर पर है, लगातार जो एनकाउंटर हुआ अजीत अमित के बेटे का, उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि फेक एनकाउंटर है, इसे जो है शिवसेना कैसे देखती है? बात ऐसी है, सबसे ज़्यादा एनकाउंटर मुंबई में हुए, आपको पता होगा। मुंबई के एनकाउंटर कुछ साल पहले जो चल रहा था, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक उपाधि हमारे यहाँ देते थे, लगभग सभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल में गए या आज भी जेल में है। ये समझना चाहिए, इस देश में कानून है, इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में लोग सब कुछ देखते हैं। आतंकवादी हो तो उनका एनकाउंटर होना चाहिए, अगर बहुत बड़ा माफिया है जिसको समाज को खतरा है तो इस प्रकार से एनकाउंटर होते रहते हैं। अगर लोगों ने कुछ सवाल खड़े किए हैं तो मुझे लगता है मुंबई में कुछ लोग ऐसे एनकाउंटर के खिलाफ कुछ सबूत लेकर न्यायालय में गए थे और न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है, उसमें इंक्वायरी कमीशन बिठाया था। बाद में लगभग सभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल में गए या आज भी उसमें से बहुत से लोग जेल में हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ। आप कहना चाह रहे हैं कि जो अति के एनकाउंटर में शामिल पुलिस वाले थे वो भी जेल जाएंगे, ये मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा। उस राज्य की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर, वो देखने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री है, वहाँ के कानून मंत्री होंगे, वहाँ के गृह मंत्री होंगे, उसके ऊपर मैं क्यों बात करूँ। लेकिन मैंने मुंबई की बात कही, मैं महाराष्ट्र की बात कर सकता। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है सर, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है सर। देखिए उत्तर प्रदेश का विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो सिर्फ सवाल उठाकर नहीं चलेगा, आपके पास क्या सबूत है? जहाँ यहाँ कुछ लोग सबूत लेकर आ गए, उसके बाद न्यायालय ने निर्णय दिया है और हमारे बहुत से पुलिस अफसर जेल में गए उस वक्त और आज भी उसमें से कुछ लोग जेल में है।